हेलो फ्रेंड्स आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ई सी एल ई एब्रीवी कैन लर्निंग हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है और स्वागत है आपका ई शेयर चैनल पर आज कोई ऐसी कोई स्पेशल कोई क्लास नहीं है और ना आज मैं सिलेबस में कुछ ऐसा कुछ पढ़ाने वाला हूँ लेकिन आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आई होप यूजफुल रहेगी क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अंग्रेजी को आप कैसे आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेढ़ मतलब तीन से चार महीने आपको मैंने बहुत, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बताई बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए कॉन्सेप्ट तो नहीं बताए लेकिन मैंने बहुत सारे ग्रामर पढ़ाए तो अब उस ग्रामर को हमें यूज़ कैसे कर करना है क्योंकि हम जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमें यूज़ करना भी सीखना चाहिए और हमने कम से कम सत्तर से अस्सी वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगी जो बिल्कुल इसी पर बेसिस है और हर एक वीडियो आपको प्रैक्टिस भी कराई है सीखे हुए लेकिन अब हमें इस ग्रामर का यूज़ करना सीखना है क्योंकि बिना यूज़ के हम बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हैं अगर हम बात करें क्योंकि हम अगर आप साइंटिस्ट बना लोगे आप सीख जाओगे क्या नहीं सीख सकते हो अब सेंटिस अकेले बनाना सेंटिस अकेले बनाना अगर आप वहीं तक सीमित रहे तो आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू द लर्निंग इंग्लिश इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पीकिंग इंग्लिश सो अब इंग्लिश को सेंटिस को हम यूज़ करना है अपनी थिंकिंग प्रोसेस को अपने आप के लिए डेवलप करना है तो आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इस ग्रामर का यूज़ कर सकते हैं कैसे हमने इतनी सारी जो ग्रामर पढ़ी है उसको एक सेंटिस के रूप में क्वेश्चन के रूप में या कन्वर्सेशन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं तो एक होल वीडियो में बताना तो संभव नहीं है लेकिन एटलीस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ इस वीडियो में कि आप अपनी अंग्रेजी को और आपको कैसे और अच्छे तरीके से कैसे इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं कैसे एक छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अच्छी मतलब रेगुलर कंटिन्यूसली आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो मेरा जो सबसे अच्छा जो तरीका है मैं समझता हूँ और मैंने ऐसे ही अंग्रेजी सीखी है मैंने कुछ नहीं सीखा सिलेबस यही था जो आप पढ़ रहे हो वो यही था लेकिन बस इसमें प्रैक्टिस था क्या है ये ये क्या है ये आपका यू सी है या यूट्यूब चैनल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आपको लाइव प्रैक्टिस कराना इट इज़ नॉट पॉसिबल आई थिंक डैट कि आपको कि मैं आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ तो इसलिए मैंने सोच इसलिए आपको उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाया जितने आपको प्रैक्टिस करने चाहिए थी जितने आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे जितने आपको टॉपिक्स uh, बनाने चाहिए थी कन्वर्सेशन में यूज़ करना चाहिए था वन वर्ड टॉपिक को लेकर उसको हमें डिस्कस करना चाहिए था वो चीज़ें नहीं हो पाएँ तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम आप एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे तो आपको वो एक्टिविटी करनी है लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो पार्टनर ही नहीं आई हैव नॉट पार्टनर तो आप अपने पार्टनर खुद बन सकते हैं आपको प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर आईने के सामने करना है आईने के सामने आपको बोलना स्टार्ट करना है ओके तो मैं मैं कुछ टॉपिक दे रहा हूँ मतलब मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा कि आप इन टॉपिक्स को आप कैसे बना सकते हैं बनाना और आप कैसे अपने दिमाग से आपको गूगल का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना सिंपल सिंपल टॉपिक है उसको आपको गूगल का सहारा बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि अगर आप गूगल का सहारा ले तो आप सोच नहीं पाओगे तो आपको कम से कम सात से दस दिन आपको जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप सिर्फ अपनी कॉपी में कॉपी में लिखना है ट्रांसलेट करना है एक हिंदी में एक अंग्रेजी में हिंदी अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है और आपको इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोलना है आपको मिरर के सामने आपको बोलना है क्योंकि जब आप मिरर के सामने बोलोगे तो आप आसानी से आपको आपको कॉन्फिडेंट डेवलप होगा आपको हेजिटेशन भी नहीं होगा सो आई थिंक दैट इट इज द बेस्ट वे फॉर यू आर द लर्निंग इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश आपका बेस्ट वे है ओके okay, तो हम कुछ जैसे हम टॉपिक की हम बात कर रहे हैं जैसे हम कोई भी टॉपिक तो सिंपल टॉपिक जैसे हम बोलें ईजी टॉपिक जैसे कोई भी और आपको स्टार्ट को ईजी से करना है। जैसे मेरे हाथ में क्या है ये पेन है मार्कर पेन है तो आप पेन के बारे में आप बोल सकते हैं आप यही टॉपिक ले सकते हैं कोई भी टॉपिक ले सकते हैं क्योंकि तो दुनिया सारी टॉपिक है तो उसके बारे में आप कितना जानते हैं आप बस को उसको बस उस लिखना है आपकी कॉपी में लिखते हैं उसको ट्रांसलेट करना है उसको आपको लिखना है तो जैसे मैंने लिखा पेन ये क्या है मेरा टॉपिक ये पेन है ये क्या है मेरा ये पेन है ओके तो आपको पेन के बारे में लिखना है पेन के बारे में कितने जानते हो तो आप पहले इस टॉपिक को हिंदी बनाए, में बनाए इंग्लिश में बनाए उसके बाद आप इसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिरर के सामने आपको क्या करना है आपको बोलना है किसके सामने मिरर के सामने आईने के सामने, सामने बोलना है तो सबसे पहले हम ये समझते हम टॉपिक आकर बनाते कैसे जितने मैंने सेंटेंस सेंटेंसेस ले टू टू वर्ड्स भी लेके अपन मस्ट विकेंटेंस हम बनाने लगे लगभग बेन्दा मतलब चार से कि तीन से चार महीने लगभग कम्प्लीट हो, होने वाले हैं तो हम इतना सब कुछ करने लगे तो हम इनको सबका यूज़ कैसे करें है ना इन सब का हम यूज़ कैसे करें इन सब का हम उपयोग कैसे करें कैसे एक धागा में इन प्रो सेंटेंस को हम प्रो सकते हैं सीधी बात है तो अगर हम पेन के बारे में बात करें तो आप पेन के बारे में जितना जानते हो आपको उसको लिखना है क्या है पेन के बारे में जितना हो सके आपको उतना लिखना है जैसे कि हम बोलें अब मैं लिख नहीं रहा हूँ आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे कि पेन महत्वपूर्ण है पेन हमारे लिए महत्वपूर्ण है बिना पेन के हम नहीं लिख सकते हैं आसानी से बोल सकते हैं पेन प्लास्टिक का होता है पेन किसका होता है प्लास्टिक का होता है मेटल्स का होता है पेन में एक राड होती है पेन में हम पेन में स्याही होते हैं पेन कई कलर के होते हैं बोल सकते हैं पेन कई कलर के होते हैं पेन दो प्रकार के होते हैं एक मतलब या तीन प्रकार के होते हैं मार्कर पेन या सिंपल पेन या फिर हम बोल सकते हैं परमानेंट मार्कर पेन पेन महंगे और सस्ते होते हैं पेन क्या होते हैं महंगे और सस्ते होते हैं बोल सकते हैं पेन इज़ कॉस्टली एंड चीफ बोल सकते हैं पेन महंगे और सस्ते होते हैं बिना पेन के लिखना संभव नहीं है पेन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है बोल सकते हैं पेन ताकतवर है पेन इज़ वेरी स्ट्रोंग स्ट्रेंथ पेन ताकतवर है पेन की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास पेन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं या यदि आप यदि आप पेन रखे हो या ये यदि आपके पास पॉकेट में पेन है तो व्यक्ति आपसे सोच समझ के बात करेगा क्योंकि वह सोचेगा ही विल थिंक ही कैन बी मतलब वह अच्छा व्यक्ति होगा इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा सोच समझ के बात करेगी इसलिए हम कह सकते हैं कि पेन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो जो मैंने आपको हिंदी में जो टॉपिक बोला है साइंटिस्ट बोला है ऐसे सिंपल साधारण जमा मतलब सिंपल चीज़ें आप और भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं तो आपको ऐसे ही करना है जो मैंने आपके सामने बोला है वो आपको कॉपी पर हिंदी और अंग्रेजी में आपको लिखना है क्योंकि जब आप हिंदी और अंग्रेजी आप लिखोगे तो आपको एक तो सेंटेंस की फ्रेमिंग सही प्रकार से सेंटेंस बनाओगे आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए कर पाओगे कि ये सेंटेंस किसका है ये सेंटेंस किसका है और ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो जितनी मैंने ग्रामर पढ़ाई है ये इतना अंत हो ग्रामर बहुत ज़्यादा है बहुत बड़ी है लेकिन जितना हमने ग्रामर पढ़ी है अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम एटलीस्ट आप उतनी प्रैक्टिस तो कर सको भाई मैं मानता हूँ कि अभी वीडियो आपकी रेगुलर से नहीं आ पा रही मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियोस हैं जो रेगुलर आ सके लेकिन कम से कम हमें अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना पड़ेगा आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीखोगे ठीक है और थोड़ा सा मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो और मैं आपको जो तरीके बता रहा हूं तो हो सकता है आप इसको अभी मतलब ना कर पाओ तो मेरा अनुरोध है कि जो जो भी जो मेरा मैंने कोर्स डेवलप किया था इंग्लिश स्पोकन बैच कौन सा कोर्स किया था इंग्लिश स्पोकन बैच इंग्लिश स्पोकन बैच मैंने कोर्स डेवलप कर किया था तो इसकी लगभग सत्तर से अस्सी वीडियो होंगी तो अगर इन वीडियो को आप देख लेते हो इसके सेंटेंस बना लेते हो तो आप हंड्रेड परसेंट मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इस प्रकार के टॉपिक बना सकते हो और अगर हम बात करें अगर मैं एक कोर्स आपको यदि मैं कोर्स आपको मतलब अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ा होता है लगभग आपका तीन हज़ार का होता थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ हंड्रेड परसेंट तीन हज़ार से चार हज़ार का कोर्स होता हो सकता है एक आध दो और वीडियो और बढ़ जाती लेकिन यह कोर्स यूट्यूब पर हंड्रेड परसेंट आपका फ्री है तो इसका आप फायदा उठाएं क्योंकि अगर आप फ्री कोर्स है इसका अगर फायदा उठा लेंगे तो हंड्रेड परसेंट आप इस प्रकार के सेंटिस बना पाओगे टॉपिक्स को आप कवर कर पाओगे और मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पोकन वाली क्लास में कोई तीन चार महीने इतनी मतलब इतनी सीरियस है इतनी बारीकी से कोई चीज़ हो सकता है कि पढ़ाई हो मैं नहीं भी बोल रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे मतलब विश्वास है कि इतने अच्छे से आ, मैंने अच्छे से पढ़ाया है तो हो सकता है आपको उतनी उतनी डिटेल्स में हो सकता है उतनी लाइन से उतनी सीरियस से हो सकता है आपको ना बोले तो आपका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आपका जो सबसे बड़ा आपका बेनिफिट होगा वो बेनिफिट ये होगा कि आपको 100 परसेंट कुछ सत्तर से अस्सी वीडियो आपको ई शेयरिंग मिल रहे हैं तो आपकी वीडियो को देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप एक दिन इस वीडियो को देख लो जो भी नए हो कि आप जो भी इस नए हो तो इसको सत्तर से अस्सी परसेंट से अस्सी वीडियो आप एक दिन में देख लो आप इसको तीन महीने में ख़त्म करो दो महीने ख़त्म करो ये इज़ कैपेबिलिटी अब तो क्या करना है आपको सेंटिस्ट बनाते रहना है सेंटिस बनाओगे मजा आ जाएगा आपको क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट भी डेवलप होगा आप अगर कॉन्फिडेंट डेवलप होगा तो आप आसानी के साथ आपको इंग्लिश को इंजॉय करोगे और स्पोकन वो आप सीख जाओगे आपकी लर्निंग डेवलप होगी तो ये जो पहला टॉपिक मैंने पहला जी बताया टॉपिक कि हम टॉपिक के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक हैं तो उसके माध्यम से हम आसानी के साथ हम सेंटेंस को मतलब अपनी जो ग्रामर सामने जितनी पड़ी उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसे छोटे छोटे टॉपिक ले लो मैं आपको दे रहा हूं आप इसको ट्राई करना घर पर बनाना जैसे कि मैं दू पैन ठीक है होम चेयर स्कूल कॉलेज मार्केट बैग ठीक है हेयर बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं बुक्स बुक्स बेसोगे कंप्यूटर मोबाइल पेरेंट्स ठीक है तो ये छोटे मतलब कितने टॉपिक हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट लगभग मैंने बारह टॉपिक्स ऐसे दिए हैं आपको तो आप अगर एक दिन में अगर एक टॉपिक अगर पकड़ रहे हो एक दिन में अगर एक टॉपिक आपको पकड़ रहा हो जैसे मैंने बोला कि आपका ये पहला फर्स्ट टॉपिक इज डैट पेन तो आप अगर इसको पेन के बारे में बना रहे सोच रहे समझ रहे हो आपने जितनी भी अपनी ग्रामर को आपने यूज़ किया है तो आप आसानी से आप इन टॉपिक को बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ अगर कोई इसका पार्ट भी नहीं है इसीलिए जो नए नए इसका, इसका कोई पार्ट भी नहीं है ऐसा नहीं है पहले की वीडियो भी नहीं देखी तब भी आप अगर मैं आपको बोलूँ कि टू वी बार के माध्यम से या सेंटिस्ट को आप बना सकते हैं इन टॉपिक्स को और जो भी आप पहली बार देख रहे बिल्कुल भी नहीं देखिए देखिए तो आप अगर इसको टॉपिक को बनाना चाहते हो तो अगर आपकी बेसिक ग्रामर है तो आप बेसिक ग्रामर के माध्यम से इनको बना सकते हैं तो आप स्टार्ट टू मेकिंग द टॉपिक स्टार्ट टू मेकिंग द टॉपिक्स टॉपिक्स को आप बनाना स्टार्ट कीजिए और आपको टॉपिक्स जो है मतलब जो चीज़ें है आपको गूगल पर सर्च नहीं करना है यूट्यूब पर सर्च नहीं करना है शुरुआत में स्टार्टिंग में आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको डेवलप करना है तो अगर हम बात करें इसका मेन मोटिव है इसका जो टॉपिक्स का है कि हम क्यों कर रहे हैं वाई आर वी मेकिंग द टॉपिक्स ऑफ दिस लाइक दिस तो इसका मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप अपनी इंग्लिश के लिए आप मतलब जो थिंकिंग आपकी थिंकिंग प्रोसेस वो आपकी डेवलप हो जाए आपको जो हैजिटेशन से आपका खत्म हो जाए कम हो जाए आपका जो जो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग है वो सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी हो जाए तो इसके बहुत सारे लाभ हैं बहुत सारे बहुत ज़्यादा लाभ हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्किल्स इम्प्रूव हो एवरी विल बी इम्प्रूवड बाय दी टॉपिक्स सो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कोई वैसी क्लास नहीं है ये हम बोल सकते टिप्स वाली क्लास है यू कैन सी इट तो मैं ऐसी क्लासें आपको और लेकर आता रहूँगा आपको क्लास या वीडियो कैसे लगी यू कैन टेल me इन कमेंट बॉक्स कोई डाउट हो सकूँ तो ये बेधड़क वेहिचक बे आप पूछें और आप अगर मतलब पढ़ भी रहे हो अब मतलब जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स अभी पढ़े हैं जो करेंटली स्टूडेंट्स उनको भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो आप उनको बनाना नहीं छोड़े जितना मैं आपको मैं पढ़ा दिया है मस्ट की और मैंने लगभग आपके शूट तक पढ़ा दिया था आई थिंक वैसा ही हो रहा हूँ शूट तक पढ़ा दिया था तो आप इनको आप बनाना ना छोड़ें आप टॉपिक को लगातार बनाते रहे हम ऑनलाइन के थ्रू हम संपर्क में रहेंगे इसी वीडियो के माध्यम से तो ये आपकी क्लास थी ये इस वीडियो थी आपको ये टिप्स कैसे लगी वीडियो क्या लगी कैसे लगी यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टिल नाउ सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और मैं और सारी जो मस्ट की हम क्लास सीरीज चल रही वो भी हम मस्ट की सीरीज से हम चलाते रहेंगे पी के माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से जितना भी आपको पॉसिबल होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग अपना खूब सारा ख्याल रखें खूब सारी अभी मेहनत करें थैंक यू वेरी मच